सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। हमारे देश के अंदर हम जानते हैं कि दो तरह की शिक्षा प्रणाली है, एक अमीरों के बच्चों के लिए, एक पैसे वालों के बच्चों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए। जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। अभी तक सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब हुआ करती थी, पूरे देश के अंदर यही हाल है, लेकिन दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, सरकारी स्कूलों में हमने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग बहुत अच्छी की है, सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया है, सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करवाई है, और आज सरकारी स्कूलों के नतीजे बहुत अच्छे आने लगे हैं। आज इस करार के बाद अब हमारी दिल्ली के गरीब बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है, जिस शिक्षा के लिए बड़े बड़े अमीरों के बच्चे तरसते हैं, वो शिक्षा हमारे गरीब बच्चों को, दिल्ली के गरीब बच्चों को मिला करेगी। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है, इसके साथ आज जो करार हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, विदेशों से एक्सपर्ट्स आएंगे, हमारे दिल्ली के, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत जितने भी स्कूल आएंगे, उसमें प्राइवेट स्कूल भी होंगे, प्राइवेट स्कूल भी इससे एफिलिएट हो सकते हैं हमारे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, सरकारी स्कूल होंगे सारे, अभी 30 स्कूलों से इसको शुरू किया जा रहा है, उन स्कूलों के टीचर्स की ट्रेनिंग अब अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स करवाएंगे। इन स्कूलों के अंदर उन बच्चों का असेसमेंट कैसे होगा, ये इंटरनेशनल बोर्ड डिसाइड करेगा। उनकी गाइडेंस के अंदर और उनकी देखरेख के अंदर असेसमेंट की प्रणाली तय की जाएगी। इनके विदेशों से एक्सपर्ट्स आएंगे जो हर स्कूल के अंदर जाएंगे और हर स्कूल का इंस्पेक्शन करेंगे, हर स्कूल का वेरिफिकेशन करेंगे, हर स्कूल का सर्टिफिकेशन करेंगे कि इस स्कूल के अंदर क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर किया जाए ताकि ये स्कूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन सके। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।